नमस्कार दोस्तों, बाइक रिपेयरिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ फीचर्स जो स्मार्ट की कीज़ की हैं वो आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये जो की है वो वरना 2018 कार की है, तो आप लोगों को पता ही है कि ये स्मार्ट की है और इस की से आप लोग जो हैं वो डोर्स वगैरह डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। और क्या क्या नई नई फीचर्स जो हैं इस की ने वरना 2018 के अंदर दिया है इस की के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कीज के अंदर थ्री बटन्स मिलेंगे। पहला वाला जो मिलेगा आप लोगों को अनलॉक का, लॉक का मिलेगा, दूसरा वाला अनलॉक का, और तीसरा वाला जो बटन मिलेगा उससे आप लोग डिगी जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो तीसरे वाले बटन को आप लोगों को होल्ड करके रखना होगा। जैसा कि मैं देखिए डिगी के पास चला गया हूँ और जैसे ही मैंने इसको होल्ड करके रखा कुछ सेकंड्स के लिए, और तो डिगी ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है। इस की एक स्मार्ट फीचर और भी है दोस्तों, जैसे ही आप लोग इस की को डिगी के पास लेकर आएंगे तो विद इन सेकेंड्स आप लोगों का, मतलब कहने का मतलब है एक मिनट के अंदर अंदर आप लोगों की जो डिगी है वो ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाएगी। उसे पता लग जाएगा कि आप लोगों, आप या कोई भी पर्सन जो है, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कीज़ जो है वो डिगी के पास आ चुकी है। तो जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे जो है, देखिए हम लोग इसके पास आते जाते हैं और आप लोगों को ये लाइव एग्जांपल हम लोग दिखा ही देते हैं कि इस स्मार्ट की क्या फीचर्स हैं, इसमें कौन कौन से सेंसर्स जो हैं वो आप लोगों Hyundai ने दिए हैं। देखिए लाइट्स जो हैं, बैक लाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है ग्लो करने लग गई हैं और डिग्गी जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है। तो ये गाड़ी जो है वो सेंसिबल है और उसको पता लग चुका है कि आप लोग जो है कीज़ के पास हैं, या गाड़ी जो है कीज़ के पास है, या कीज़ गाड़ी के पास है, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ एक मिनट के अंदर ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार आप लोग इसको लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, डिग्गी जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये दोबारा से आप लोग इसको देख सकते हैं, अगर आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आया हो कि एक मिनट के अंदर जो है लाइट जो है वो ग्लो करने लग जाती है। लेकिन ज़्यादा असर इसका देखने को मिलता है डिगी के पास, जब हम लोग डिगी के पास जाते हैं तब ज़्यादा असर इसका देखने को मिलता है। देखिए अभी तक इसका कोई भी सेंसिबल असर जो है वो देखने को नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही मैं डिगी के पास जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो बैक लाइट हैं वो ग्लो करने दिए। देखिए बैक लाइट जो है वो ग्लो करने लग गई हैं और कुछ सेकेंड्स बाद डिगी जो है वो ओपन हो जाती है। तो आप लोगों ने पहली फीचर्स तो इसकी देख ही ली होगी, थ्री बटन्स हैं, आप लोगों को कीज़ जो है वो नहीं दिया जाता है, एक स्मार्ट बटन होता है। अब चलिए दोस्तों आप लोगों को जो है अंदर ले चलते हैं। ये एक पुश बटन दिया जाता है इसके अंदर, जैसे हम लोग इसको पुश करते हैं तो डोर जो है लॉक हो जाता है और अनलॉक हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग इसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के बाद जब हम लोग अंदर जाते हैं तो आप लोग जो है कीज़ को गाड़ी के अंदर ही आप लोगों को रखना होगा। आप लोग गाड़ी को कीज़ को बाहर नहीं रख सकते हैं, या अगर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी एक फ़ीचर बहुत अच्छी है कि कोई भी आप लोगों की गाड़ी को चुरा नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों की कीज़ जो है वो बाहर होगी तो पॉसिबल नहीं है कि आप लोग कार को स्टार्ट कर सकें। तो देखिए जैसे ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि कीज़ जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं है। ये देखिए, और येलो कलर की गाड़ी की येलो कलर की लाइट भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसके अंदर की है, की का ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है प्रेस स्टार्ट बटन विद कीज़, और कीज़ जो है वो इसमें नहीं है, गाड़ी के अंदर नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता लग जाएगा कि कीज़ जो है वो गाड़ी के अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम लोग कीज़ को गाड़ी के अंदर ले आते हैं और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं तो आप लोग डायरेक्टली जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट की ये भी फीचर्स है कि आप लोगों की गाड़ी को कोई चुरा नहीं सकता है, और आप कीज़ जो है वो गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी की कीज़ जो है वो अंदर ही रह जाती है, तो डबल कीज़ आप लोगों को मिलती है, उससे आप लोग डोर ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टार्ट हो चुकी है, इसमें कोई भी कीज़ का जो इश्यूज है वो नहीं आया है। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि जो कीज़ है वो गाड़ी के अंदर ही होनी चाहिए। तो दूसरी वाली फ़ीचर आप लोगों को पता लग गया होगा कि कीज़ जो है वो अंदर होनी चाहिए। पहली वाली थ्री बटन्स हैं जो कि
लॉक का है, अनलॉक का है और डिग्गी को आप लोग ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने दूर फेंक दी है ये कीज़, और अब देखिए मैं स्टार्ट गाड़ी को कर चुका हूँ और अब आगे गाड़ी रन नहीं करेगी क्योंकि कीज़ जो है वो बाहर चली गई है। तो ऐसा भी होता है जनरली कि लोग कीज़ को बाहर लेकर चले जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके ही भूल जाते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर ऐसी फीचर्स हैं, या आप लोग कहें कि कीज़, स्मार्ट कीज़ के ये फ़ायदे हैं कि यदि आप लोग कीज़ को ले जा चुके हैं और गाड़ी आप लोग स्टार्ट छोड़ चुके हैं बटन की वजह से, कभी कभी ऐसा होता है कि नई फीचर्स आने की वजह से गाड़ी के अंदर व्यक्ति भूल ही जाता है कि जनरली उसको स्टार्ट करके ही छोड़ जाता है क्योंकि इनके साउंड्स जो हैं आप लोगों को बाहर सुनाई नहीं देते हैं। तो अगर आप लोग कीज़ ले चुके हैं, बाहर ले जा चुके हैं और गाड़ी जो है स्टार्ट ही है और आप लोगों ने सिर्फ जो है गेट जो है वो बंद कर दिए हैं, फ्रंट डोर एंड बैक डोर सभी डोर जो है वो बंद कर दिए हैं और आप लोग बाहर चले गए हैं और गाड़ी स्टार्ट है, तो कोई भी आप लोगों की गाड़ी को ले जा नहीं सकता है। उसका रीज़न यही है कि गाड़ी के अंदर कीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग जब भी ड्राइव करें तो सेफ्टी से ये ड्राइव यही होता है कि आप लोग अपनी ये कीज़ जो है वो अपनी पॉकेट के अंदर ही रखें। पॉकेट के अंदर रखने का फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों कि आप लोगों की जब जब आप लोग अंदर जाएंगे तो आप लोग गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग बाहर जाएंगे तो आप लोगों की गाड़ी को कोई ले जा नहीं सकता है। ये देखिए अंदर की आई तो ऑटोमेटिकली गाड़ी ने सेंस किया कि जो कीज़ है वो अंदर है, तो ये अंदर की है। अब बात आती है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के जो रियर ग्लास होते हैं, या हम लोग कहें कि अब हम लोग आप लोगों को एक नई फीचर से मिलवाते हैं, या हम लोग कहें कि हम लोग एक नई फीचर्स के बारे में बताते हैं। आप लोगों ने कभी भी ये देखा होगा कि जो फ्रंट रियर है और आप लोगों को दिखाने वाले जो फ्रंट दोनों साइड्स के रियर होते हैं, जो कैमरा ये जो फ्रंट ग्लास एंड द बैक ग्लास जो होते हैं, वो आप लोगों के लिए उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग इसको लॉक अनलॉक करते हैं तो इसमें एक लाइट जो है वो ग्लो करती है। आप लोगों को देखा ही होगा, देखिए जब मैं इसमें गाड़ी के अंदर आप लोग दिखा रहा हूँ तो कीज़ जो है वो बाहर है और गाड़ी जो है अभी स्टार्ट मोड में है, तो ये बंद नहीं होगी। देखिए अब मैं अगर गाड़ी को बंद करना चाहूँ तो गाड़ी जो है वो बंद नहीं हो रही है, बिकॉज़ क्योंकि गाड़ी जो है वो स्टार्ट कंडीशन में है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग बाहर ले जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट में है तो आप लोगों से बंद तो होगी ही नहीं डेफिनेटली, क्योंकि वो स्टार्ट है। तो ये एक एडवांटेज है इसका। और अब मैं गाड़ी को बंद करने वाला हूँ और उसको लॉक करने वाला हूँ गाड़ी को। देखिए तो ये जो ग्लास है जो आप लोगों को समय पर बताता रहता है कि पीछे कौन आ रहा है आपके, तो ये दोनों साइड के ग्लास मैंने डाउन कर दिए हैं और इससे आप लोग इस बटन की सहायता से आप लोग इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी फीचर है इन्होंने दी है। कि मोस्टली क्या होता है दोस्तों कि हम लोग ये फीचर्स कब दी जाती है, जैसे हम लोगों ने गाड़ी को बंद किया तो ये ग्लास जो है ऑटोमेटिकली अंदर चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी कैसा क्या होता है कि जब हम लोग गाड़ी के पास आते हैं तो ग्लास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। तो ये फीचर नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी के हाथ से भी ये ग्लास जो है वो टूट जाए। तो देखिए अब गाड़ी बंद है, तो जैसे ही आप लोगों ने लॉक बटन को प्रेस किया इस की के ज़रिए तो एक LED जो है वो एक ग्लो करती है गाड़ी के अंदर इन फ्रंट और दोनों साइड के शीशों के अंदर, आप लोग ये कह सकते हैं मिरर के अंदर। तो ये देखिए जैसे ही पास ले आते हैं तो आप लोगों के कोई भी इनमें LED ग्लो नहीं करती है, लेकिन जैसे ही आप लोग ओपन एंड क्लो लॉक एंड अनलॉक का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर एक LED ग्लो करती है। तो ये स्मार्ट की फ़ीचर्स हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी फ़ीचर्स जो है स्मार्ट कीज़ के अंदर दी जाती हैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में जो है पता होना चाहिए, क्योंकि इस की बहुत सारी फ़ीचर्स हैं जो आप लोग जानते ही नहीं हैं। और अगर आप लोग ये वीडियोस जो हैं वो पूरा देखते हैं या आप लोग इसको समझते हैं तो आप लोग एक सेफली जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसी भी इंसिडेंट हो जाए आप लोग उसमें संभल सकते हैं। देखिए अभी मैंने इसके अंदर भी की आती है तो जो पीछे का बटन होता है उसे पुश करें और ये की जो है वो बाहर निकाल लें। अब इस की ये बताता हूँ मैं दोस्तों, इससे भी आप लोग जो हैं अपना जो डोर है वो ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने क्लोज कर दिया है।
अब मैं जैसे ही आप लोग इस साइड टर्न करेंगे, जैसे कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जैसे ही टर्न करेंगे, तो ये आप लोग जो है डोर ओपन कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन जैसे ही आप लोग डोर ओपन करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों की जो LED है वो ग्लो करने लग जाएगी, ये देखिए। तो ऐसा होता है ना कि कोई भी जो थीफ है वो आप लोगों की गाड़ी को चुराने की कोशिश करे, इससे आप लोगों की नई चाबी बनाने की कोशिश करे, तो आप लोगों की गाड़ी जो है वो लाइट जो है वो ग्लो करने लग जाएगी, साउंड बजने लग जाएगा, अलार्म सा बजने लग जाएगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि कुछ हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।